Hello friends, I Susanta. Welcome you all to class 9 geography, chapter number 2. We are continuing physical features of India. In the last class we are discussing about the northern plain. So let's start from that. The northern plain jo uttari maidan ko mote taur par teen upavargo mein vibhajit kiya gaya hai. Uttari maidan ke paschimi bhag ko पंजाब का मैदान कहा जाता है. सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है. सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां जैसे कि झेलम, चनाब, रबी, इस जो सतलुज, ये हिमालय से निकलती हैं. मैदान के इस भाग में द्वाब की संख्या बहुत अधिक है. गंगा के मैदान का विस्तार घघर तथा तिस्ता नदियों के बीच है. यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है. ब्रह्मपुत्र का जो मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है. उत्तरी मैदान की जो व्याख्या सामान्यतः इसके ऊंचा बच्चों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है. यह सही नहीं है. इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है. आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को चार भागों में विभाजित किया जाता है. क्या किया जा सकता है? नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है. इसे भाबर के नाम से जाना जाता है. सभी सरिताएं इस साबर पट्टी में विलुप्त हो जाते हैं. इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है जिसे तराई कहा जाता है. यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था. बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है. इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए. उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है. वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा जो वेदिका जैसी आकृति ये प्रदर्शित करते हैं. इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है. इस क्षेत्र की मृदा में चुनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है. बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है. इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट में पेनिनसुलर, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसका मतलब प्रायद्वीपीय पठार. प्रायद्वीपीय पठार का एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने जो क्रिस्टलीय, अग्नेय तथा रूपांतरित शिलों से बना है. यह गंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है. इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं. इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार. नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है.
जो विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ जो चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से ये उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिससे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी जो एंगलिंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी इसके नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतिया है। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरों पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित हैं। वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भौर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिम घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक यह है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में या इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा का टकराकर या इसके टकराकर ऊपर उठने का कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुडी तथा डुडाबेट्टा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में ये सेवराय तथा जो जावेड़ी इसकी पहाड़ियाँ स्थित है। इसमें जो दिया हुआ है उडग मंडलम, जैसे ऊंची के नाम से जाना जाता है, तथा कोड़ई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे डक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल अग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ
प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपरदिन एवं खंडित पहाड़ियां हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैले हैं। सो डियर फ्रेंड्स, दिस मच इज ऑल अबाउट द डे। वंस अगेन विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टेक केयर ऑफ योर स्टडीज। थैंक यू।